हेलो फ्रेंड्स, केंद्रीय विद्यालय रामगढ़ कैंट का ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ से नोटिफिकेशन पब्लिश की गई है टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए। ऑफिशियल वेबसाइट के अनाउंसमेंट सेक्शन में आना है, व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट, अनाउंसमेंट सेक्शन के सीरियल नंबर 1 में मेंशन किया गया है नोटिस फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल इंटरव्यू फॉर द सेशन 23 एंड 24। यह वैकेंसी जो है वो कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट की है फॉर द एकेडमिक सेशन 23 एंड 24। डिटेल सेक्शन से नोटिफिकेशन की डिटेल को चेक कर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन को पब्लिश किया गया 27th ऑफ फेब। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो केंद्रीय विद्यालय रामगढ़ झारखंड से पब्लिश की गई है। कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर के लिए वॉक इन इंटरव्यू शेड्यूल की गई है फॉर द एकेडमिक सेशन 23 एंड 24। वॉक इन इंटरव्यू का शेड्यूल मॉर्निंग 10 o'clock है। नेक्स्ट है, डेट चेक कर लेते हैं इंटरव्यू का। इसमें मेंशन किया गया है 15 मार्च को PGT की वॉक इन इंटरव्यू शेड्यूल की गई है। सब्जेक्ट्स है हिंदी, अंग्रेजी, रसायन विज्ञान, भौतिकी, गणित, अर्थशास्त्र, भूगोल, जीव विज्ञान और इतिहास। तो PGT के लिए इन सारे सब्जेक्ट्स की वैकेंसी और इसको शेड्यूल किया गया है 15th ऑफ मार्च को। नेक्स्ट है 16th ऑफ मार्च। 16th ऑफ मार्च को वॉक इन इंटरव्यू शेड्यूल किया गया है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की। इसमें सब्जेक्ट्स मेंशन किया गया है हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं संस्कृत। TGT के लिए इन सारे सब्जेक्ट्स में वैकेंसी है और इसकी इंटरव्यू 16 मार्च को शेड्यूल की गई है। नेक्स्ट है कंप्यूटर प्रशिक्षक, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही लेवल पर, ठीक है, और इसकी इंटरव्यू 16th ऑफ मार्च को शेड्यूल की गई है। नेक्स्ट इंटरव्यू है 17th मार्च को। 17th मार्च को प्राथमिक शिक्षक, खेलकूद प्रशिक्षक, स्पेशल एजुकेटर, नृत्य एवं संगीत प्रशिक्षक। तो इन सारे पोस्ट के लिए वॉक इन इंटरव्यू 17th ऑफ मार्च को शेड्यूल की गई है। नेक्स्ट, यहाँ मेंशन किया गया है कि जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स है वो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ, जेरोक्स डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफ्स वगैरह लेके आएंगे इंटरव्यू के लिए। नेक्स्ट है, साक्षात्कार में भाग लेने के लिए कोई यात्रा या अन्य भत्ता नहीं दिया जाएगा। TA/DA प्रोवाइड नहीं की जाएगी। साक्षात्कार के लिए पंजीकरण का समय 8:30 से 12:30 रहेगा। रजिस्ट्रेशन की टाइमिंग मॉर्निंग 8:30 to 12 o'clock है। नेक्स्ट है, यहाँ ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से डिटेल नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एसेंशियल और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। तो इसके एसेंशियल क्वालिफिकेशन में मेंशन किया गया है 2 ईयर्स इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट MSc कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT इन द कंसर्न सब्जेक्ट, और मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन द एग्रीगेट ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स में मेंशन किया गया है PGT इंग्लिश के लिए सब्जेक्ट्स हैं इंग्लिश, PGT हिंदी के लिए सब्जेक्ट में मेंशन किया गया हिंदी और संस्कृत विथ हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट ग्रेजुएट लेवल। PGT मैथ्स के लिए मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स। PGT फिजिक्स के लिए सब्जेक्ट मेंशन किया गया है फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लाइड फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स। नेक्स्ट है PGT केमिस्ट्री के लिए सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। देन बायोलॉजी के लिए सब्जेक्ट मेंशन किया गया है बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंसेज, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायो, प्लांट फिजियोलॉजी, प्रोवाइडेड दे हैव स्टडीड बॉटनी एंड जूलॉजी एट ग्रेजुएट लेवल। नेक्स्ट है PGT हिस्ट्री के लिए सब्जेक्ट है हिस्ट्री। PGT जियोग्राफी के लिए जियोग्राफी। PGT कॉमर्स के लिए मास्टर डिग्री इन कॉमर्स, ठीक है। नेक्स्ट है PGT इकोनॉमिक्स के लिए सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स और अप्लाइड इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट है BEd और इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इंग्लिश एंड हिंदी मीडिया, ठीक है। तो कैंडिडेट्स इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में पढ़ाने में कैपेबल हो। डिजायरेबल है कंप्यूटर नॉलेज, तो कैंडिडेट्स को कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में मेंशन किया गया एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट है BE और BTEC कंप्यूटर साइंस और IT फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट डिग्री और डिप्लोमा फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी रिकोगनाइज बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और में BE और BTEC एनी स्ट्रीम एंड PG डिप्लोमा इन कंप्यूटर फ्रॉम रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी।
और में मेंशन किया गया एमएससी कंप्यूटर साइंस और एमसीए और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है एमएससी कंप्यूटर साइंस और एमसीए और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीसीए और इक्विवेलेंट एंड पीजी डिग्री इन सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। बी लेवल फ्रॉम डोएक एंड पीजी डिग्री इन एनी सब्जेक्ट और सी लेवल फ्रॉम डोएक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड ग्रेजुएशन। तो ये सारे एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। लास्ट में मेंशन किया गया है कि कैंडिडेट हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में पढ़ाने में कैपेबल हो। नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर टीजीटी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में मेंशन किया गया है 4 ईयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन द कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट और बैचलर डिग्री विद 50% मार्क्स इन कंसर्न सब्जेक्ट एंड कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स एंड इन एग्रीगेट द इलेक्टिव सब्जेक्ट्स एंड लैंग्वेज इन द कॉम्बिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट्स एज अंडर। ठीक है, फर्स्ट में फॉर टीजीटी संस्कृत के लिए संस्कृत एज अ सब्जेक्ट इन ऑल द 3 ईयर्स, टीजीटी के लिए हिंदी होनी चाहिए, ग्रेजुएट लेवल पर टीजीटी इंग्लिश के लिए इंग्लिश, टीजीटी एसएसटी के लिए एनी टू ऑफ द फॉलोइंग जिसमें सब्जेक्ट है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस ऑफ विच वन मस्ट बी इधर हिस्ट्री और ज्योग्राफी। नेक्स्ट है टीजीटी मैथ्स के लिए बैचलर डिग्री इन मैथ्स विथ एनी टू ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट है फॉर टीजीटी साइंस के लिए बॉटनी, जियोलॉजी एंड केमिस्ट्री। नेक्स्ट में मेंशन किया गया कि कैंडिडेट सीटेट क्वालिफाइड हो और बीएड डिग्री होनी चाहिए या फिर इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड। नेक्स्ट में बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। कैंडिडेट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में पढ़ाने में कैपेबल हो। कंप्यूटर नॉलेज डिजायरेबल है। नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन है प्राइमरी टीचर के लिए जिसके एसेंशियल क्वालिफिकेशन में मेंशन किया गया है सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट विद 50% मार्क्स और इंटरमीडिएट विद 50% मार्क्स और इक्विवेलेंट। नेक्स्ट है सीटेट क्वालिफाइड होने चाहिए, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन और इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। नेक्स्ट है कैंडिडेट इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में पढ़ाने में कैपेबल हो। कंप्यूटर नॉलेज डिजायरेबल है। नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर प्राइमरी एंड सेकेंडरी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट है बीई, बीटेक, कंप्यूटर साइंस और आईटी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट डिग्री और डिप्लोमा फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और में है बीई, बीटेक, एनी स्ट्रीम, पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीसी और इक्विवेलेंट एंड पीजी डिग्री इन सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बी लेवल फ्रॉम डोएक एंड पीजी डिग्री इन एनी सब्जेक्ट और सी लेवल फ्रॉम डोएक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड ग्रेजुएशन। लास्ट वन है कि प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन इंग्लिश एंड हिंदी। तो ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन मेंशन किया गया है, पीआरटी के लिए चेक कर लें इसको। नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्पेशल एजुकेटर। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में विद 50% मार्क्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट और बीएड कोर्सेज इन स्पेशल एजुकेशन। और में मेंशन किया गया एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन अप्रूव्ड बाय आरसीआई। डी में है कॉम्पिटेंस टू टीच थ्रू इंग्लिश एंड हिंदी। डिजायरेबल है कंप्यूटर नॉलेज। नेक्स्ट में एसेंशियल क्वालिफिकेशन मेंशन किया गया है गेम्स कोच के लिए, चेक कर ले इसको। नेक्स्ट है एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर डांस एंड म्यूजिक इंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो ये यहाँ सारे क्वालिफिकेशन मेंशन किए गए हैं अकॉर्डिंग टू पोस्ट, इसको चेक कर ले। नेक्स्ट है एप्लीकेशन फॉर्मेट। इस एप्लीकेशन फॉर्मेट का प्रिंट आउट लेना है और जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगी जा रही है इसको अटैच करके इंटरव्यू वाले दिन लेके जाना है। तो लिस्ट ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स टू बी अटैच्ड विद बायोडाटा फॉर्म फॉर इंटरव्यू। तो एप्लीकेशन फॉर्मेट के साथ ये सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। फर्स्ट में पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट,
डेली सेल्फ सर्टिफाइड बाय द कैंडिडेट्स ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट अप्लाई। ठीक है, नेक्स्ट है पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट ऑफ डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन और बीएड और एमएड सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। थर्ड है पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट ऑफ सीटेट लेवल वन और लेवल टू एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द पोस्ट। फोर्थ है कॉपी ऑफ आधार कार्ड। फिफ्थ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। नेक्स्ट कास्ट सर्टिफिकेट। नेक्स्ट है कास्ट सर्टिफिकेट। लास्ट है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। ये सारे डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए एप्लीकेशन फॉर्मेट के साथ। इन सारे डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके सबमिट करना है। तो इस नोटिफिकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर रही हूँ, वहाँ से डिटेल नोटिफिकेशन चेक कर लें।